सत्कार योग साथ संगत जियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंथ दे महान विद्वान आदरणीय सन्मानिया वर श्रीमान ज्ञानी बलबीर सिंह जी चिंगाड़ा साहब के उद्यम सदका, ज्ञानी दया सिंह जी दिलबर नवा शहर दुआबा पंजाब वालियां दा ढाडी जथा, भाई हरपाल सिंह जी संधु पिंड अकालगढ़ जिला हुशियारपुर, भाई हरदीप सिंह जी गिल पिंड अकालगढ़ जिला हुशियारपुर, भाई मेजर सिंह जी हीरा पिंड महंतपुर जिला नवा शहर वैनकूवर कैनेडा आए, सरदार अजीत सिंह जी समरा, सरदार अवतार सिंह जी ढिलों मेन वीडियो वैनकूवर वालों संगतां दे कर कमलम कैसट भेटा की जा रही है। तेज विचों पैदा होया जाल माता कट दिता
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं शहीद हो गए। भाई जैता जी महाराज का शीश लैके आनंदपुर साहब पहुंचा। श्री गुरु गोबिंद राय जी महाराज ने संगतां समेत कीरतपुर साहब तक अगे वध के सत्कार किया, स्वागत किया। शीश नूं लैके गुरद्वारा शीशगंज आनंदपुर साहब पहुंचे। महाराज पूछन लगे, जैता जी दिल्ली की कहानी सुनाओ। तां कहिंदे ने दसवें पातशाह नूं भाई जैता दसदा है, रो रो गला भर गया, नीर अखां चों आया, मेरी जीव नहीं दस सकदी सच्चे पातशाह जो औरंगजेब ने दिल्ली जुल्म कमाया। सखत पिंजरे दे विच नौवें गुर नूं रखिया सी, करके जखम पिंडे ते लून जालमा पाया, भाई मती दास नूं आरे दे नाल चीरिया, खून फुहारे चले किसे नूं तरस ना आया, भाई दयाला जी नूं देख दे विच बहाल के हेठां अग दा भांबड़ जुल्मा जालमा मचाया, देख चुबुल बुल के सिंह शहीदी पा गया, जपया सतनाम नहीं वट मथे ते पाया। फेर चांदनी चौक लियांदे नौवें पातशाह, दीन मनाउण लई उहनां जोर बथेरा लाया, धर्मों डोले ना जब सतगुर तेग बहादुर जी आके गुस्से दे शाह ने हुक्म सुनाया। 12 मकर दी प्रतिष्ठा वीरवार सी, जदों जलाल दीन ने तेग दा वार चलाया, हाहाकार मच गया, कख गलियां दे रोंदे सी, धरती डोल गई ते कहर दा बदल छाया, हिंदू जनता सारी डर दी अंदरी लुक गई सी, किसे ने रोस वजों नहीं एक भी नारा लाया। इन्नी कहिंदियां कहिंदियां जैता चरनी ढह पिया, सारी संगत ने सी नैनो नीर वगाया, दिलबर दसवें गुर ने जफी पाली, जैते नूं है रंगरेटा गुर का बेटा वाह का लाया। हजूर पूछन लगे, जैता जी दिल्ली विच कोई मेरा सिख नहीं सी, जेड़ा छाती ते हथ मार के कहिंदा मैं सिख हां और गुरु का शीश लैण दी उमंग करदा। भाई जैता जी कहन लगे, सच्चे पातशाह संगतां बड़ियां बेअंत सन, पर सिखां दे कहड़ा मुंह ते लिखिया सी वी सिख, सब खामोश हो गए। दसवें पातशाह दे चेहरे उत्ते इक जलाल आया, कहन लगे, जैता जी हुण मैं ऐसा सिख साजांगा जेड़ा लखां विच भी खड़ा होवेगा, लोग कहणगे ओ सिंह खड़ा है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे, हुण मैं ऐसा पंथ सजावांगा।
ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਲਗੀ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜੰਜੂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਖ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਘੜਿਆਲ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਢਾ ਦਿਓ ਮੰਦਰ, ਉਸਾਰ ਦਿਓ ਮਸੀਤਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀਪੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀ ਮੇਵੇ ਸ਼ੁਆਰੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਛਕਦੇ? ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੰਬੂ ਖਾਲੀ ਵੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, 7 ਮੀਲ ਉੱਚੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਔਰ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਐਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ।
पहाड़ी तो उतरे, कुछ समय वास्ते खामोशी अख्तियार कर ली। संगतां सोच रही सन महाराज किसी नाल बोलते नहीं, चलते नहीं, चुप चाप रहिंदे ने। कई कहन देवी ना पुठी पै गई होवे, लोकां दे वहम कोई देवी भी कदे पुठी पै सकती है। हजूर दे दरबार विच लखां देवियां झाड़ू देंदियां हन। गुरु नानक दा दरबार अत ऊंचा ताका दरबारा है। मेरे शहनशाह प्रोग्राम उलीक रहे सन, संगतां विच हजूर ने कहा यह 1756 की विसाखी बड़ी धूमधाम नाल मनाउणी है, और संगतां नूं चिट्ठियां लिख दिओ। माझा, मालवा, दुआबा, काबल, कंधार, पोठोहार, सिंध, यूपी, सीपी, बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में चिट्ठियां लिख दित्तियां गईयां। भागां वालियो विसाखी आ रही है, हम हुमा के आओ। विसाखी का मेला श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने गोइंदवाल साहब शुरू किया। विसाखी का मेला श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी करतारपुर लाते रहे। ये विसाखी इतिहासक विसाखी बन वाली है। मेरे साहबान ने कहा संगतान सदे पत्र भेज दियो कि हम हमा के आन, आनंदपुर साहब के विसाखी लगेगी। और खालसा जी ये उन्होंने वेलिया दिया गल् ने जदों ना रेल, ना गड्डी, ना मोटर, ना कार, ना साइकिल, ना हवाई जहाज, कोई सवारी नहीं सी। लोग पैदल तुर तुर के जाया करते सन। हुण साइंस किन्नी तरक्की कर गई है। आ पहले साइकिल बने, बसां बनिया, कारां बनिया, हवाई जहाज बने, हुण रॉकेट बन गए ने। हवाई जहाज भी पुराने हो गए ने। मैनूं याद है सब तो पहला रॉकेट जब रशिया ने छड़िया 1957 विच होशियारपुर विच एक कवि दरबार हो रहा सी। एक शायर ने शेर किया, उन्हें कहा 20वीं सदी का चलिया दौर ऐसा, दुनिया फैल रही है नाले शौक रही है, हर एक काम आजादी की दौड़ अंदर अगे बढ़ रही है नाले हौक रही है। ओए वारे जाइए इस साइंस के करतबा तो, दुनिया फर्श नू अर्श वल चौंक रही है। ओ जिथे चन्न दी मां चरखा कतदी सी, कुत्ती रूस दी अज ओथे भौंक रही। दुनिया ने वेख्या एक घंटा 43 मिनट विच रॉकेट ने कुल पृथ्वी का चक्कर कढ़िया। अमरीका ने कहा भी आगे आगे देखना होता है क्या। उसने दूजा रॉकेट छड़िया, वो 88 मिनटां विच धरती का चक्कर कट आया। रशिया ने कहा असी हुण मनुख भेजांगे, पहला मनुख सी यूरी गैगरीन जिहड़ा पुलाड़ विच गया। अमेरिका ने कहा असी चंद्रमा की छाती उत्ते झंडा कढ़ांगे। वेखो निके निके बच्चे जदों मां की गोदी च बहिंदे ने कहिंदे बीबी ओ चन्न मामा। मैं कदे कदे हसदा हुंदा भी ये चंगा मामा है, साडे प्यो का भी मामा, साडे दादे का भी मामा, साडा भी मामा, गांव साडे न्याणियां का भी मामा, इहनूं सारी उम्र मामा ही रहना सी। तो हुण भाणजे 3 वार गए ने मामे नूं मिल के आए ने। इहदन साइंसदानां की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही सी, पत्रकार ने पूछा भी तेज तो तेज चलन वाला रॉकेट कितनी स्पीड का बन सकता है। उन्हें उत्तर दिता असी कोशिश कर रहे हैं रोशनी की स्पीड नाल रॉकेट जाए। हुण रोशनी 1 सेकंड विच 1,86,000 मील जाती है। तो अंदाजा ला लो जे सची मुची यहोजा रॉकेट बन गए तो तुसें आखना चानन करे जरा चाह का पतीला धरी में अमरीका च हो आवा। हुण नहीं लोकी इन्हां गल्लां नूं मन दे, पर ये मननियां पैणगियां। समा बड़ी तेजी नाल बद रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, कंप्यूटर करामातां कर रहा है, पर जिस वेले भी मैं गल कर रहा उस वेले पैदल तुर तुर के संगतां आनंदपुर साहब आया कर दियां सन। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने हिंदुस्तान भर दियां संगतां नूं ऐं चिट्ठियां लिख दित्ती। Oh,
सब रस्ते मल्ले ओ थाता कश्ती फौज ने सी रस्ते मल्ले ओ थाता कश्ती फौज ने सी रस्ते मल्ले थाता कश्ती फौज ने सी रस्ते मल्ले ओ थाता कश्ती फौज ने सी रस्ते मल्ले आशिक कदे ना रुकदे नहीं रहंदे ठल्ले आशिक कदे ना रुकदे नहीं रहंदे ठल्ले कोई आशिक कदे ना रुकदे नहीं रहंदे ठल्ले कोई आशिक कदे ना रुकदे नहीं रहंदे ठल्ले विद्वान लिखते ने कि विसाखी तो दो दिन पहले आनंदपुर साहब के 85,000 का इकट्ठ हो गया और विसाखी वाले दिन गिनती इस तो भी ज्यादा सी। मेरे साहबान एक प्रोग्राम बनाया तखत दे स्टेज दे एन पिछे एक गुप्त तंबू ला दिता गया। उस तंबू विच की सी वाहगुरु जाने या सतगुरु जानन, पर एन विसाखी तो एक दिन पहले रात आन के गुरु महाराज उस तंबू विच सज गए। विसाखी का शुभ दिहाड़ा आया, हम हमा के संगत आईया, दीवान सज गया, रागियां ने आसा की वार शुरू की थी। संगत उड़ीक रही ने कि अजे गुरु महाराज नहीं आए। कई कहन महाराज थके होंगे, सारी रात लंगर का इंतजाम करते रहने, संगत बहुत ने। कई कहन वो नहीं, जदों के नैणा देवी की पहाड़ी तो उतरे ने किसी नाल गल नहीं करते, चुप चाप रेंदे ने। पता नहीं की कारण है, कोई देवी पुठी पै गई। लोग कई किस्म दियां गल्लां करन। जद रागी सिंह ने आखिरी पौड़ी पढ़ी, वड्डे कियां वड्याईयां किछ कहना कहन ना जाए, एकदम तंबू का पर्दा हिलिया, अंदरों निकल के महाराज स्टेज उत्ते खड़े हो गए। हजूर दे चेहरे उत्ते अनोखा जलाल सी, वार उन्हों दे बुलों उत्ते कोई समा खामोशी आन तो बाद एकदम चेहरे ते लाली आई, लाली दे नाली देश की खुशहाली आई। बिजली की फुर्ती वांग हथ तलवार की मुठ उत्ते गया, सर कर दिए कड़ी म्यान चो कृपान। हजूर ने संगतान मुखातिब करके यूं किया, बोला भाई कैसे कर दिया। Oh, 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 oh
पुजारी से पो सालम खानी ता थर थर कंबी अर्श दी बीली परभाणी गुम हो गई विच पताल दे बाशक दी राणी चन बाल अवस्था धार के कंबिया विच पाणी पंजाबियो हिंदुस्तानियो गुरु नानक जो सिखो उठो मेरी तलवार शीश मंग रही है कोई सूरमा अपना खून देवे ओ योधियो ना नित नित मैं सिर मंगना ना नित नित तुसा सिर देने उठो अज मन एक सिर दी लोड़े को है सूरमा संगतां च खामोशी छा गई सारियां तो मोरे बैठे सी मसंद इना खा खा के कड़ा प्रसाद गोगड़ा मधाइया जिवें लुक दे ढोल नूं लत्तां लाईयां हुंदियां ने हेठले सौ ठाई रह गए वो धनी रामा एक ही बन गया हजूर ने ललकार के किया ही चंडका दंडका दुष्ट दमनी प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा सी विच रंग दे देवी है नार साड़ी विच जंग दे देवी तलवार साड़ी हजूर ने क्यों उठो को सूरमा महबूब भावे किसी भी शक्ल में होवे जेड़ा सच्चा आशिक उहदी पहचान जांदी भाई नंद लाल जी कहिंदे गाहे सूफी गाहे जाहिद गह कलंदर मेशवद रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते अयारे मां कहिंदे मेरा यार बड़ा चलाक
कदे साहिब बन जांदा है, कदे कलंदर बन जांदा है, कदे सूफी बन जांदा है, पर मेरी अख नूं पहचान जांदी है भाई दया राम जी उठे। ए कौन हन? इन्हां दा पिंड डल्ला है, भाई पारो दे खानदान विचों ने। इन्हां दा जन्म 12 भादरों 1718 बिक्रमी नूं लाहौर विच होया। इन्हां दा पिता भाई सुधा और माता दा नाम दयाली सी। उठ के कहन लगे, हजूर आली खिमा मंगदा हां, इन्ना समा गवा लिया है, कृपा करो दास दा शीश हाजर है। हजूर ने कोई लिहाज किया है? मौत जिंदगी दा की सवाल उथे जिथे नशे शहादत दे चढ़े होवन, उन्हां जग नाल वंड विहार कहदा जिन्हां नाग प्रेम दे लड़े होवन। नस जाणो किधर तलवार हेठां, जेड़े प्यार गुनाह विच फड़े होवन, हथ जोड़ प्यारे दे दर उत्ते धौणा ऐं चुकाए के खड़े होवन। अगों पारखू भी केड़ी कट कर दे, वेखने आशकां ताई अजमाए के ते, पिछों देन खिताब प्यारियां दा, पहलों तेग दी धार लंघाए के ते। हजूर ने बांह फड़िया खिचिया घसीट के तंबू च लै गए। लोगों ने कन्न तंबू वाल ला लै, अंदरों झटक दे के आवाज आई, लहू की लिबड़ी, लहू की धार तंबुओं बाहर निकली। 5 मिनट बाद खून नाल लिबड़ी तलवार लैके फिर आ गए। खालसा जी एक उत्ते बस नहीं, मैनू होर शीश चाहिए ने। कोई होर सुर में उठे, संगतां च खामोशी तारी सी। कहिंदे ने एक होर गभरू उठिया, एक कौर है, इसका नाम भाई धर्मदास है। इहदा पिंड चटवाड़ा और जिला सहारनपुर, पिता का नाम भाई संत राम, माता का नाम जसी है। इसका जन्म 7 कत्तक 1724 बिक्रमी नूं होया। कह लगा, महाराज मेरा सिर भी हाजिर है, मैं जटां दा मुंडा। महाराज कहिंदे, तैनू अज जट नहीं रहन देना, ते मैं अज सोढ़ी नहीं रहना। आ, मैं सब इक खालसा साज देना है। इहनूं भी बाहूं फड़िया हजूर तंबू च लै गए। उसे तरह तलवार चली, उसे तरह तंबूओं बाहर लहू दी तार निकली। संगतां विच एकदम सन्नाटा छा गया, कई जंगल पेशाब दा बहाना ला के नसन लग पे। मेरे सतगुरु तंबुओं बाहर निकले और तीसरी बेर ललकार के यूं किया, I'm not afraid to die।
डिगरे टर्न बाई टर्न वारी वारी सिर हजूर ने पंज सिर मंगे। तीसरी बार भाई साहिब दास इसका नगर है नंगल शहीद जिला होशियारपुर। भाई चमन राम पिता है माता बिशन देश दुको केस ने 4/17/22 बिक्रमी नु जन्म लिया। उस तो बाद भाई हिम्मत राम जी उठे चिहुर जाति विचों हन। इन्हों का पिंड संगतपुरा जिला पटियाला। पिता भाई जोत राम माता रामो जी इन्हों का जन्म 5 माघ 1718 बिक्रमी होया। सब तो अखीर विच भाई मोहकम सिंह जी कौम छीमा कस्बा बूढ़िया पिता तीर्थ राम माता सुखदेई जी इन्हों का जन्म 22 जेठ 1733 बिक्रमी होया। वारी वारी 5 नौजवान उठे मसंत दौड़ के गए माता गुजरी जी पास। माता जी सतगुरां नूं की हो गया, चलो साहिबजादा जीत सिंह नूं गद्दी बिठा दियो। माता गुजरी जी कहन लगे मसंदो तुहाडा दिमाग फिर गया है, मेरे नाल दे सिर ते गुरु नानक दा हाथ है, जो कुछ वो कर रहे ने ठीक कर रहे ने जाओ। छेवीं वेर मुड़ के छेती नहीं आए, जद आए ने तां मगरे ही दया राम धर्मदास मोहकम चंद हिम्मत चंद साहिबदास ये पंजे ही नाल ने। इन्हों की शकल ही बदल गई है, इन्हों के नीले दस्तारे केसरी बाने लक नाल कमर कसे तेड़ कशहरे गात्रे कृपान हत्थां च कड़े। हजूर ने पालो दी पाल खड़े कर ले, कह लगे ये मेरे 5 प्यारे ने। कई ने देखिया भी है तो सारे ज्यौदे ने, एक दूजे नूं कहन लग पए लवे धनी रामा जेक दे हुण गुरु महाराज जुड़ दे तो मैं तैयार ही खड़ा सही। पर मैनू पता सी महाराज ने कहा घबराओ ना, अजे होर बड़े सिरों की लोड़ है। भई फिर सहम गए। हजूर कहन लगे पर हुण नहीं, जंगा जुद्धां च शीश लै जाणगे, इन्हां नूं मैं अज अमृत दियांगा। महाराज ने सतलुज दा जल मंगवाया, सरबलो दा खंडा सरबलो दा बाटा। हजूर ने जल दे विच खंडा फेरिया, जपजी साहब पढ़िया, जाप साहब चौपी सवैये अनंत साहब का पाठ किया। श्री माता जी तो जी ने पतासे पाए, अमृत तैयार करके इन्हों पंजा वीर आसन बिठा के पंज पंज चुले छकाए, आख्या बोल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंज छटे नेत्रम च मारे, पंज छटे केसम च पाए, अमृत छका के तैयार बरार खालसा साज दिता।
हुक्म दिता केस कड़ा कंगा कसारा किरपान पंज रैतां रखनियां ने चार करैतां तो बचना है केसां दी बेइज्जती नहीं करनी तंबाकू नूं हथ नहीं लाउणा करैक्टर इन्ना उच्चा रखना के पर स्त्री वाले मैली अख नहीं करनी तुरकनी वाले भी मैली अख नहीं करनी मुसलमान दे हथ दा मांस हलाली नहीं खानी रैतां करैतां समझाइया और मेरे सतगुरु ने कहा अज तुसीं अकाल पुरख दा खासल खालसा हो दे के तेग दशमेश ने कहा मूहो जाओ बख्शियां अज सरदार ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।